मॉर्निंग फ्रेंड्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपको फिर स्वागत है। हम ट्रांसलेशन कर रहे थे फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें हमने आज तक दिन किया कि लेखक जो मैं लाया था कबाड़ी की दुकान से, उसमें जो उसको एक बक्सा मिला था छोटा काले रंग का, और उसमें एक पत्र लिफाफा जो है वो उसको मिला था। उसको हमने खोल करके देखा तो उसमें जिम मैकपर्सन के द्वारा कोनी नाम की किसी महिला को लिखा गया था, और उसमें उस पत्र लिखने वाले ने जो कि जिम मैकपर्सन था, उसने उसको बताया था कि हम जो है वो वहाँ अपने चुपने के संग लड़ाइयों में खड़े थे, और सामने से वो ब्रिट्स जर्मनी के सैनिक जो है उनको ब्रिट्स कहा जाता है, वो ध्वज सफ़ेद रंग के ध्वज लहराते हुए आए और उनके हाथों में बोतलें थी, मांस था, और वो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हम जो है उनको मिल करके खाएंगे। फिर जो है वो एक व्यक्ति जो कि उनका ऑफिसर था फ्रिट्स सैनिकों का, वो आया और गर्म जोशी से उसने जिम मैकपर्सन से हाथ मिलाया और काफ़ी देर हाथ को थामे रखा। तो जिम मैकपर्सन ने कहा कि मैं कोनी, जिस समय वो मेरे आंखों में आंखें डाल करके देख रहा था, मेरे साथ मिला रहा था, मैं कैसा महसूस कर रहा था, कितना अच्छा महसूस कर रहा था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसके बाद उन्होंने बताया था, एक दूसरे का परिचय किया था। उसने कहा था कि मैं जो है वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और डसेलडॉर्फ नाम के स्थान से हूँ, जर्मनी में डसेलडॉर्फ नाम का स्थान जो है वहाँ से हूँ, मेरा नाम हैंस वुल्फ है, और मैं ऑर्केस्ट्रा में संगीत मंडली जो है हमारी सेना की उसमें मैं सेलो बजाने का कार्य करता हूँ। और फिर जिम ने कहा था कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ, और मैं पश्चिम ब्रिटेन का डोरसेट नाम का जो स्थान है वहाँ से हूँ, और मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ, ऐसा उसने कहा था, ऐसा परिचय हुआ था। उसके बाद उन दोनों ने जो है वो एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएँ दी, और उनके पास में जो शराब वगैरह थी उसका आनंद लिया, और जो केक जो था जिनके पास में उस केक का भी आनंद लिया, और केक जो है वो केक की ऊपरी परत जो है मार्जिपन जो है वो उस हैंस वुल्फ को बहुत पसंद आया था। तो उसने कहा कि मुझे जो है वो इसका टेस्ट जो है आज तक मैंने जितने भी केक खाए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ऐसा उस जिम ने उसको नहीं वो जो है वो पत्र के माध्यम से बताया था। उसके बाद उन दोनों अधिकारियों के बीच में क्या हुआ और उन दोनों सेनाओं ने क्या किया, इस बात को जानने के लिए हम इसी पाठ में जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आगे वाला सेंटेंस क्या कहते हैं, देन उसके बाद ये पार्टी वगैरह वो कैंप वगैरह शराब वगैरह पीना और सभी जो है वो इधर उधर बिखरे हुए थे, धूम्रपान हो रहा था, हंस रहे थे, बोल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ये बातें हो रही थी, और जिम और ही बैठे रहे थे, वहाँ बैठे हुए ध्यान दे रहे थे। उसके बाद ये जिम कह रहा है कि क्या हुआ, देन समवन, उसके बाद कोई, जो वहाँ सैनिक थे जर्मनी के और ब्रिटेन के, उनमें से कोई, आई डोंट नो हु, ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि कौन था वो व्यक्ति, हमारी सेना का था कि सामने वाले सेना का था, ब्रॉड आउट है फुटबॉल, एक फुटबॉल बार लाया, फुटबॉल होगी कहीं उनके पास में, तो वो लाया, ग्रेट कोर्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक वर्ल्ड, ग्रेट कोर्स वर डंप्ड इन पाइल्स, ग्रेट कोर्स, बड़े कोट जो थे जर्मन सैनिकों के पहने हुए उनका ढेर लगा दिया, उनको एक जगह जो है वो उनका ढेर लगा दिया, क्यों, टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट जो होते हैं गोल के जो खंबे होते हैं दोनों तरफ दो दो, उन खंबों को बनाने के लिए उन खंबों की जगह पर जो है उन्होंने उन कोट जो थे उनके ढेर लगा दिए खंबे बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एंड द नेक्स्ट थिंग वी यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, और अगली बात जो हमें मालूम हुई, हमने जाना, वो ये थी कि ये जो है
मैच होने जा रहा था, जो सरहद के बीच में जो मैच जो है वो होने जा रहा था, वो टॉमी यानी ब्रिटेन के सैनिकों के बीच और फ्रिट्स यानी जर्मनी के सैनिकों के बीच में ये मैच फुटबॉल का होने जा रहा था। फिर हैंस वुल्फ, जर्मनी के उस अधिकारी का नाम था हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ एंड आई थिंक माय पर्सन लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, उनकी तरफ देखा, खेल रहे थे उनकी तरफ देखा, चीयर्ड clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। तो खेल स्टार्ट हुआ था, वे खेल रहे थे और ये कह रहा है, जिन कह रहा है कि हम, मैं और हैंस वुल्फ जो है तालियां बजा रहे थे, अपने पैर पटक रहे थे और जय घोष कर रहे थे, खुशी मना रहे थे और सर्दी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हाथ पैर वगैरह हिलाते हैं तो इससे शरीर जो है वो गर्म होता है, गर्म होने से जो है वो सर्दी दूर भागती है। तो ये जो है वैसे तो खुशी मना रहे थे, वो खेल रहे थे, वो आनंद मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, पैर पटक रहे थे, इससे सर्दी भी दूर हो रही थी और ये जो है वो आनंद भी इनको आ रहा था। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर व्हील्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ये कह रहा है कि एक क्षण ऐसा था जब हमने देखा, नोटिस का मतलब ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया हमारी सांसें, ब्रीथ्स यानी सांसें, हमारी सांसें जो है मिंगलिंग का मतलब मिल रही थी, आपस में घुल मिल रही थी, इन द एयर हवा के अंदर हमारी सांसें, मेरी और उस जर्मन अधिकारी की और हमारे सैनिकों की और जर्मनी के सैनिकों की सांसें जो है वो हवा में आपस में मिल रही थी, मिक्स हो रही थी। ही साइड, उसने भी ऐसा महसूस किया, मैंने ये कह रहा, जिम कह रहा मैंने भी महसूस किया और उसने भी ऐसा महसूस किया। टू एंड स्माइल, और वो जर्मनी का अधिकारी जो है वो मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, और उसने कहा जिम मैकपर्सन, इसे आपने वो कुछ देर बाद वो बोला जिम मैकपर्सन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, ये एक तरीका है जिससे हम इस युद्ध का सुलह जो है कर सकते हैं, इस युद्ध को हम टाल सकते हैं इस एक तरीके से। वो तरीका क्या है? ए फुटबॉल मैच। इससे टाल सकते हैं युद्ध को, एक फुटबॉल मैच को खेल कर। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, और फुटबॉल का जब मैच होता है तो वहां पर किसी की मौत नहीं होती है। युद्ध होते हैं तो युद्ध में बहुत सारे सैनिक जो है वो मारे जाते हैं, लेकिन इस फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ होना, और कोई बच्चा जो है अनाथ नहीं होता है, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइव्स बिकम विडोज, वाइव्स यानी पत्नियां, बिकम विडोज का मतलब विधवा होती है, और ना ही कोई पत्नियां विधवा होती है। फुटबॉल का मैच होता है, आराम से खेलते हैं, खेल की भावना से, उसमें न लड़ाई होती है, न किसी की मौत होती है। जब मौत किसी की नहीं होती है तो कोई बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होता है, और कोई महिला जो है, कोई पत्नी जो है वो विधवा भी नहीं होती है। आराम से शांतिपूर्वक खेला जाता है और इसमें जीत हार भी हो जाती है, जीत हार भी हो जाती है, एक टीम जीतती है एक हारती है, तो उसका भी नीचे हो जाता है। जो जीतना चाहते हैं वो अच्छा खेलते हैं, इससे जीत जाते हैं, लड़ाई का मौका इसमें नहीं रहता है और शांतिपूर्वक जो है वो मामला निपट जाता है। तो इसका मानना था कि जिम मैकपर्सन, हम जो है फुटबॉल मैच के द्वारा इस युद्ध का अंत जो है वो कर सकते हैं, युद्ध को टाल सकते हैं। तो ये पैराग्राफ था। अब इससे आगे जो है वो क्या होता है उसको देखने के लिए जो है वो
मेरा प्रयास रहेगा कि दो चार लाइनें मैं और जो है वो आपको इसमें करवा देता हूँ, ताकि ये पैराग्राफ जो है काफ़ी हद तक निपट जाए, उसके बाद जो है उससे आगे बढ़ा लेंगे। कुछ लाइनें जो है वो चार पांच लाइनें, हाँ तो आगे वाली लाइनें क्या कहती है देखिए, आई वुड प्रिफेयर क्रिकेट, मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, मैं क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता हूँ। I told him, मैंने उसको कहा, then we Tommy यानी ब्रिटेन के सैनिक, then we Tommy हम would be sure of winning, जीतने में ज्यादा आश्वस्त हो सकते, अगर क्रिकेट खेला जाता ना तो हम ज्यादा आश्वस्त रहते, हमारी जीत निश्चित होती, probably शायद we laughed at that, इस बात पर हम दोनों हंसे, एंड टूगेदर और साथ साथ वी वॉच्ड, हमने देखा द गेम मैच, सेड टू से कहते हुए खेद है, दुख है, कौन ही फ्रीड्स वन, फ्रीड्स जीत गए 2-1, एक गोल के मुकाबले दो गोलों से जो है वो जर्मन सेना जीत गई, बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली से मैच होने के बाद उस हैंस वुल्फ ने उदारता पूर्वक कहा, अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, उसने कहा कि तुम्हारे गोलों के बीच की चौड़ाई जो है वो हमसे ज्यादा थी, मतलब तुम्हारे गोलों के जो पोस्ट जो गोलों के बीच की जगह थी वो ज्यादा थी, इसलिए गोल जल्दी होते थे, ज्यादा होते थे, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये मुकाबला जो है वो निष्पक्ष नहीं माना जा सकता था। ठीक है, तो आज ये आपके मैच हो गया था फुटबॉल का और निष्पक्ष मुकाबला नहीं था। देखो फिर उसके बाद में क्या होता है, इस बात को जानने के लिए कल मैं वापस से आगे वाला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।